हेलो एवरीवन, आज हम बुलिमिया के बारे में पढ़ेंगे जो कक्षा 12 में पार्ट 5 में टॉपिक है, जिसका अति शुदा भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अति मतलब बहुत अधिक और शुदा मतलब भूख लगना, बहुत अधिक भूख लगना। तो इस रोग से पीड़ित जो मनुष्य होता है उसको बहुत अधिक भूख लगती है और ये मानसिक रोग, एक प्रकार का मानसिक रोग भी है और खान पान संबंधी डिसऑर्डर भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको बहुत अधिक भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद ये सोचते हैं, अरे हमने तो बहुत अधिक खा लिया है, अब वजन कम करना चाहिए। तो वजन कम करने के प्रयास में वो कभी कभी उल्टी करने लगते हैं, भोजन के पश्चात एनीमा ले लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं या व्रत रख लेते हैं बहुत अधिक। तो ये समस्या जो है पुरुषों की अपेक्षा किशोरियों और महिलाओं में अधिक पाई जाती हैं। तो बुलिमिया जो है दो प्रकार का होता है, रेचक बुलिमिया और गैर रेचक बुलिमिया। तो रेचक बुलिमिया जो है उसमें व्यक्ति जो है भोजन के बाद जानबूझकर उल्टी करता है या एनीमा का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार की क्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है उसका भोजन से जो उसके शरीर में वजन बढ़ा है उसको कम करना और भोजन के हजम, तो अगर वो ऐसा करता है तो भोजन जो है उसका हजम होने से पहले ही वो शरीर से निकाल देता है, जिसके बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव उसके शरीर पर पड़ते हैं। तो दूसरा है हमारा गैर रेचक बुलिमिया। इस प्रकार की बुलिमिया में व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी की खपत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपवास रखने लग जाता है, डाइटिंग बहुत अधिक कर लेता है या बहुत अधिक व्यायाम करने लगता है ये सोचकर कि उससे मेरा वजन कम होगा। तो अब इसके कारण के बारे में हम जानते हैं। इसके कारण आनुवंशिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो हम हर एक कारण के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो ये समस्या उन व्यक्तियों में भी हो सकती है जिनके माता पिता या भाई बहन परिवार में किसी को इस समस्या से पीड़ित अगर देखा जाए तो उनमें भी इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो सामाजिक कारक में आज की जीवन शैली आ जाती है, जिसमें जो हर युवा शारीरिक रूप से फिट दिखना चाहता है और उनकी ये इच्छा इस समस्या का एक प्रमुख कारण है। कई लोग ऐसा व्यवसाय अपनाते हैं जिसमें दुबले पतले शरीर की आवश्यकता होती है, जैसे मॉडलिंग हो गई, बैले डांसर हो गए। तो इस कारण से भी व्यक्ति जो है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, फिट दिखाने के लिए समस्या से ग्रस्त हो जाता है और अब बहुत अधिक भोजन करने के बाद फिर अपना वजन कम करने का प्रयास करने में उल्टे सीधे ये हरकतें करने लग जाते हैं कि उल्टी करते हैं, एनीमा का प्रयोग करते हैं, बहुत अधिक उपवास रखते हैं। तो तीसरा कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण जो है चिंता, अवसाद और कम आत्मसम्मान जैसी समस्याएँ होती हैं जिनसे व्यक्ति जो है ग्रसित हो जाता है, बहुत अधिक चिंता करने लग जाता है अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर के पोस्चर के बारे में और निराशा से घिर जाता है और उसके अंदर कम आत्मसम्मान जैसी भावनाएं पनपने लग जाती हैं। वो अपने आप को इनसिक्योर सा फील करता है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इस प्रकार से आगे। तो अन्य कारक भी हैं, जैसे कई खेल हैं जैसे कुश्ती है, दौड़ है, जिम्नास्टिक है, जिसमें खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शरीर के भार को कम से कम रखना चाहते हैं और ऐसे में उचित मार्गदर्शन के अभाव में वे इस समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है बुलिमिया के लक्षण। इसमें सबसे पहले खाने की इच्छा नियंत्रित नहीं होती, यानी कि खाने की इच्छा पे कंट्रोल नहीं हो पाता, हम बहुत अधिक भूख से भी ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। कई बार खाना इतना स्वादिष्ट बन जाता है तो भूख पे नियंत्रण नहीं हो पाता और हम अपने शरीर की ज़रूरत का ध्यान ना रखते हुए बहुत अधिक भोजन कर लेते हैं, जिससे कि हमारे शरीर पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। वजन तेज़ी से बढ़ सकता है और जब हमें अपने वजन को घटाने के ये ऊपर बताए गए प्रयास करते हैं, उल्टी करना, उपवास रखना, डाइटिंग रखना वगैरह आदि, तो उससे हमारे जो शरीर का वजन फिर एकदम से कम हो जाता है। तो बार बार अगर हम उल्टी करते हैं तो हमारे जो दांतों के ऊपर चमक लाने के लिए एनेमल होता है दांतों के ऊपर एक, वो नष्ट हो जाता है और जिससे कि दांतों में सड़न भी हो सकती है, सड़न छोटे छोटे छेद भी हो सकते हैं जिससे कि दांत जो हमारे ख़राब होने लगते हैं। पीड़ित व्यक्ति जो है डिप्रेशन में आ जाता है और अपना स्वाभिमान खो देता है, यानी कि अपने ऊपर उसको विश्वास सा नहीं रहता। सामाजिक स्थिति में खुद को अटपटासा या अकेला या शर्मिंदा महसूस करता है। कभी कभी वो गंदी आदतें यानी कि ड्रग्स व शराब आदि का शिकार हो जाता है और ज़बरदस्ती जब वो उल्टी करता है तो उसके पाचन तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि खाने की नली हो गई, पेट में अग्नाशय, छोटी आंत है, उनको नुकसान पहुंचता है। पेट साफ करने की दवाइयाँ अगर वो लेता है एनीमा वगैरह, तो उनको अगर वो रेगुलर लेने लग रहा है तो उसके पेट में दर्द भी हो सकता है, कब्ज भी हो सकती है और इस रोग के बुलिमिया के कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है शरीर में, यानी कि पानी की कमी हो सकती है, तो जिसके कारण किडनी में पथरी आदि की समस्या हो सकती है। तो बुलिमिया से जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी शारीरिक बनावट जो है बिगड़ जाती है। बुलिमिया से बचाव कैसे कर सकते हैं?
बुलिमिया से बचाव करने का एक ही उपाय है कि अपने शरीर की जो है बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल करनी सिखाई जानी चाहिए और बच्चों में अच्छी आदतें, भोजन की स्वस्थ आदतें डालनी चाहिए और व्यायाम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए और अपने प्रति पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। अपने शरीर के बारे में इतना अधिक नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। जो अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप पतले भी सुंदर लग सकते हैं और अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं और बहुत थोड़ा आपको लगता है कि आप मोटापे के शिकार हैं तो वो आपको लगता है आप मोटापे के शिकार नहीं होते उस समय। तो शरीर को थोड़ी बहुत आकृति देने के लिए थोड़ी बहुत मांसपेशियाँ भी शरीर पर होनी ही चाहिए, तो इसलिए वो उनके अंदर पॉजिटिव सोच नहीं रहती और वो अपने शरीर के लिए कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं, अपने शरीर के बारे में बहुत अधिक सोचने लग जाते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा दिखूंगा। तो इस सोच से उसको बाहर आना होगा। बुलिमिया का उपचार जो है, क्योंकि एक मानसिक रोग है, मन से सोचते हैं लोग कि हम किस तरह से लग रहे हैं और उसके कारण अपने खान पान की आदतों में बदलाव करते हैं जिसका दुष्प्रभाव उन्हें झेलना पड़ता है। तो ज़्यादा तो ये मानसिक रोग है, तो मानसिक जो इसका इलाज है वही ज़्यादा कारगर है। मानसिक व्यवहार थेरेपी जो है इसके लिए ज़्यादा कारगर है। व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो अगर उसे बहुत अधिक डिप्रेशन हो गया है तो उसे डिप्रेशन की दवाइयाँ चिकित्सक की सलाह से दी जा सकती है और सकारात्मक सोच लाने में उसके परिवार के सदस्य उसका मदद कर सकते हैं और उसके चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी बनाए ताकि वो अपनी डिप्रेशन की से बाहर आ जाए और इस बीमारी से छुटकारा पा सके। तो पीड़ित व्यक्ति को ऐसे कारणों से दूर रखना चाहिए जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है और मनोवैज्ञानिक कारकों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जिनके कारण वह ऐसा सोच रहा है उन कारकों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और अगर पीड़ित व्यक्ति का वजन बहुत अधिक कम है तो उसको अच्छी डाइट देकर सामान्य वजन पर लाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर वजन बहुत अधिक लग रहा है उसका तो उसको जूस वगैरह देकर उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम करके हम वजन को कंट्रोल में ला सकते हैं और चिकित्सक की सलाह पर इसको डिप्रेशन की दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। तो ये था आपका बुलिमिया का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।